हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की, हम लोग बात करेंगे और एक्सरसाइज है आप लोगों की 7.3। तो 7.3 में ओनली 5 क्वेश्चंस गिवन है और 1, 2, 3, 4, 5 हम 5 के 5 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो जो भी बच्चे आज हमारे न्यू है जिन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 देख आएंगे। आइए तो जो भी बच्चे हमारे देखिए 7.2 ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज को अपलोड कर दिया है, आप लोग आराम से उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, एक बार हम लोग क्वेश्चन को भी रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोस्केल ट्राइंगल्स। कौन कौन बच्चों, एबीसी, देखिए कौन कौन सा ट्राइंगल एक बार हम लिख लेंगे यहां पर। देखिए ट्राइंगल है एक हमारे पास एबीसी, एक ट्राइंगल ये मान लेते हैं और इसी में एक हम लोग बनाएंगे यहां पर इस तरीके से। देखिए ट्राइंगल आपके, ठीक है बात ध्यान को रखना है आप लोगों को। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पी की विन है, ये आपका है यहाँ पर बी, ये सी और ये क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर हमने इसको पॉइंट दे दिया है कौन सा, डी पॉइंट दे दिया हमने। यहाँ बात सबको समझ में आनी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए बात। देखिए क्या है यहाँ पर, ये डी हमने दे दिया। देखिए तो आपको प्रूफ करा, देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, यानी 4 पार्ट गिविन है आप लोगों को। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोग सबसे पहले करते हैं, कौन सा पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले आपको जो लाना है, जो आपको ट्राइंगल प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, हम उस ट्राइंगल को लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल कौन सा वाला, ए सी डी, कौन सा, ए सी डी। अब सबसे पहली बात देखिए, जब बच्चों आइसो स्केल ट्राइंगल है तो सबको पता सर ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा, यस एंड नो भाई, ए बी जो है वो क्या होगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, आइसोस्केल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है सर। ऐसे ही जो बी डी है वो इक्वल हो जाएगा सर किसके, सर सी डी के, ये भी सर क्या है, सर गिविन है, और दोनों में सर कॉमन कौन है, सर ए डी कॉमन आ रहा दोनों में, ए डी क्या है सर, सर ए डी जो है दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो बाई किससे, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, प्रूफ हो चुका है कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके बच्चों, ए सी डी के, किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए सी डी के। देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए कौन सा पार्ट हो गया आपका, ये आपका बच्चों हो गया है फर्स्ट पार्ट। अब हम कौन से पार्ट पर आ गए, अपने सेकंड पार्ट पर आ गए हैं, और सेकंड में क्या आपको प्रूफ करना, देखिए ध्यान से, सेकंड में जो आपको प्रूफ करना है कह रहा है ट्राइंगल ए बी पी, कौन, ए बी पी एंड ट्राइंगल कौन सा लेना आपको, ए सी पी लेना। देखिए कौन कौन सा, ए बी डी और ए सी पी, ए बी पी ए सी पी, तो हमने दोनों ट्राइंगल ले लिए बच्चों, ध्यान से समझते रहिए। देखिए तो ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों, ए सी के, होगा या नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा, पर क्यों होगा, ये हमको सर यहाँ पर गिविन है, ये क्या है हमको गिविन है, क्यों, आइसोस्केल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यही होती है। सेकेंड चीज और आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर जो बी ए पी है, कौन, बी ए पी, बी ए पी और सी ए पी, और कौन, सी ए पी, ये आपस में क्या हो जाएंगे सर, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, कौन कौन, ए बी पी और सी ए पी, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। चलिए जी ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया बात। अब जो हमको थर्ड पॉइंट देखना है वो हम क्या देख सकते हैं, देखिए दो चीजें हमने दिखा दी, साइड दिखा दी, एंगल दिखा दिया, और आप क्या दिखा सकते हैं सर, दोनों में अगर आप ध्यान दे तो एपी क्या है सर, कॉमन है, एपी क्या हो जाएगा दोनों में सर, ये कॉमन है दोनों में, ये क्या हो गया कॉमन। तो बाई कौन से हमने कर दिया, साइड एंगल साइड से, किससे कर दिया हमने, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से हमारा ये प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंसी रूल ठीक। तो क्या लिखेंगे यहां पे, ट्राइंगल ए बी पी इक्वल है किसके बच्चों, ओ सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ए सी पी के।
ठीक है, ये जो ट्राइंगल है ये हमने इस वाले में से बाई सी पी सी टी लिख दीजिएगा, बाई सी पी सी टी। देखिए ये यहां आ जाएगी इसकी लाइन में, क्योंकि जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो यहां पर आप सी पी सी टी से आप लिख सकते हैं कि जो बी ए पी है वो सी ए पी के क्या होगा, इक्वल होगा। हम कौन से पार्ट पर आ गए, हम इसी क्वेश्चन के अपने थर्ड पार्ट की तरफ आ गए। देखिए कौन से पार्ट पर आ गए, हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ आ गए, क्योंकि फोर पार्ट हमको इसमें क्या है, गिवन है। चलिए जी थर्ड पार्ट को देखते हैं अब हम लोग। चलिए आज ये थर्ड यहां करते, देखिए तो थर्ड में आपको जो लाना है, थर्ड में आपको जो दिखाना है, वो दिखाना है कि जो एपी है वो बाइसेक्ट करता है किसको, किसको करता है, ए एन डी को करता है, किसको, ए एन डी को। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो हमने इन ट्राइंगल ए बी डी को सिमिलर दिखा दिया था, किसको दिखा दिया था, सिमिलर ए सी डी के सिमिलर दिखाया था, याद है सभी को। तो यहाँ लिख दीजिएगा, प्रूव अबव लिख दीजिएगा, ये हमने पहले ही दिखा दिया, ठीक। अब एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए, जब ये आपके प्रूफ हम कर चुके तो आपके जो एंगल है कौन कौन, ए सी डी, कौन सा ए सी डी, वो आपका जो आपका बी ए डी है, कौन सा एंगल बी ए डी, वो सी ए डी के इक्वल होगा, किसके, क्यों भाई, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमने लिख दिया। और ऐसे ही जो आपका सेकेंड वाला हो जाएगा कौन सा, बी डी ए, बी डी ए इक्वल हो जाएगा सी डी ए के, किसके हो जाएगा, सी डी ए के, ये भी बाई किससे हो जाएगा सर, सी पी सी टी से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आप यहां से कह सकते हैं हेंस ए पी बाइसेक्ट, किसको क्या करना था, बाइसेक्ट बोथ द एंगल, बोथ एंगल ए एंड एंगल डी। देखिए ये आपको प्रूफ करना था, कौन सा पार्ट हो गया आपका, ये थर्ड पार्ट हो गया। हम कौन से पार्ट पर आ गए, अपने फोर्थ पार्ट पर आ गए। देखिए कौन से पार्ट पर आ गए, अपने फोर्थ पार्ट पर आ गए हैं, सिंपल पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आइए फोर्थ पार्ट देखते आइए सर जी, फोर्थ में लाना था हमको ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, जो ए पी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके, ए पी के। तो हम लोगों ने पहले ही प्रूफ किया था क्या, इन ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर चुके हैं किसके, ए सी पी के, किसके प्रूफ, ए सी पी के। तो क्या लिख दीजिएगा, प्रूफ अबव, हम कर चुके हैं ऊपर पहले ही। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, तो जो बी पी ए है, कौन बी पी ए जो है वो सी पी ए के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए सर, सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। आप और भी दिखा सकते हैं क्या सर, बी पी सी पी के इक्वल होगा कि नहीं, जी बिल्कुल होगा, ये भी किससे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी से। आप यहां पर लीनियर पेयर लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, लीनियर पेयर, एंगल बी पी ए एंगल सी पी ए इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, बाई किससे, लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर से हमने कर दिया। अब आप लोगों को दिखाना किसको है, सी पी ए को दिखाना है, तो बी पी ए किसके इक्वल था सर, सी पी ए के इक्वल है। देखिए तो यहां आप लिख सकते हैं क्या सर, सी पी ए प्लस सी पी ए इक्वल टू 180 डिग्री, और सर सी पी ए सर हो जाएगा 2 सी पी ए इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से कैंसिल करिए 90 टाइम, तो सर सी पी ए की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई सर, 90 डिग्री आ गई। तो सी पी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। तो आप कह सकते हैं क्या कि ए पी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, क्या लिखेंगे, हेंस ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, बी सी का, ऑफ बी सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चों, फर्स्ट कंप्लीट हुए, फोर के फोर पार्ट हमारे जी यहां पर होते हैं जी कंप्लीट। देखिए चलिएगा चलते हैं हम लोग इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर टू पर, और क्वेश्चन नंबर टू हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए तो सिंपल क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन में ही फोर पार्ट थे, बाकी के बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये फर्स्ट पार्ट ही ऐसा था जिसमें इतने सारे पार्ट दे दिए गए थे।
आराम से आप सभी नोट कर लेंगे। वीडियो कैसी लग रही जरूर कमेंट करके बताएंगे और न्यू बच्चों को लिंक जरूर शेयर कर देंगे वीडियोस का, क्योंकि 7 चैप्टर चल रहा है टोटल, हमारे 12 या 13 चैप्टर्स होंगे, हम उनको धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। कुछ सीबीएसई ने रिड्यूस भी किया है देखिए सिलेबस को। तो चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और 2 में हमें क्या कह रहा हम उसको देखेंगे। आइए देखें क्वेश्चन नंबर, अब आ गए हम लोग कौन से पर, अपने 2 पर आ चुके हैं। देखें इसको कर देते हैं यहाँ रफ। तो कैसी लग रही है वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताएंगे बच्चों, क्योंकि आप लोगों का ये कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। देखिए आराम से आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट को नोट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए सामने है स्क्रीन पर। देखिए 2 में कह रहा है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। जो AD है वो क्या है, परपेंडिकुलर है या एल्टीट्यूड कह सकते हो आप, किसका है सर, BC का है। B ये सी, ये 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा ए, और ये क्या होना जाएगा डी हो जाएगा। देखिए पॉइंट को, बात को समझिए। देखिए आपको क्या करना है, AD बाइसेक्ट करता है किसको, BC को करता है सर, बिल्कुल करेगा। आइए फर्स्ट पार्ट को करते हैं हम लोग। सबसे पहले ट्राइंगल उठाइए, देखिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, हमने 2 ट्राइंगल ले लिए। देखिए अब यहाँ क्या गिवन है वो ध्यान से रखना है आपको समझ में। देखिए एंगल ADB इक्वल होगा सर एंगल ADC के, क्यों होगा सर, ईच 90 डिग्री सर, बिल्कुल जी ईच 90 डिग्री हो गया सर ये। और क्या दिखा सकते हैं सर, सर AB इक्वल है AC के, बिल्कुल होगा जी, AB इक्वल है किसके, AC के, क्यों, क्योंकि गिवन है किसमें, बुक में गिवन है बच्चों। और क्या हो सकता है सर, दोनों में आप देखें जरा कॉमन क्या आ रहा है सर, AD कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, AD इक्वल टू AD, क्यों सर ये कॉमन है दोनों क्वेश्चन में, दोनों में क्या आ रहा है ये कॉमन आ रहा है। जब कॉमन आ गया तो आप कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अच्छा देखिए राइट एंगल है तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं इसको बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखिए तो हमारा ट्रायंगल जो है ABD वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ACD के। बट आपको ये नहीं प्रूफ करना था, आपको जो प्रूफ करना था वो करना था BD इक्वल टू कितना DC, या AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बाई CPCT आप लिखेंगे यहाँ पर, और लिखेंगे सर BD इक्वल टू DC, और लिखेंगे लास्ट में हैंस कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा, AD बाइसेक्ट BC। चलिए जी हो गया आपका कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए सेकंड पार्ट को देखते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पर हम रब। देखिए अब कौन से पार्ट को देखेंगे इसी के हम लोग, सेकंड पार्ट को बच्चों। बहुत बढ़िया वीडियो, 5 क्वेश्चन गिवन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा होने वाला है। देखिए तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब देखिए बच्चों जो सेकंड पार्ट है उसमें आप में क्या लाना है, आपको लाना है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को। तो डायरेक्ट कर दीजिए बाई CPCT से, CPCT से एंगल जो है आपका BAD इक्वल हो जाएगा किसके, CAD के। क्या हो जाएगा, BAD इक्वल हो जाएगा एंगल सर CAD के। तो आपको जो प्रूफ करना था आप लिख सकते हैं कि हैंस AD बाइसेक्ट एंगल ए। अच्छा चलिए एंगल ए लिखना है ना, बाइसेक्ट एंगल ए ऐसे लिख दीजिए। चलिए ये आपका जी क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया सर, 2 हो गया हमारा कंप्लीट। कौन से पर आ गए हम, आ गए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड में देखते हैं हमें क्या गिवन। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम अपने आ चुके हैं। थर्ड के बाद चलेंगे फोर्थ, और उसके बाद सीधे हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, 5 रहेगा। देखिए चलिए जी क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने थर्ड पर। देखें थर्ड 4 5 ओनली 3 क्वेश्चन रिमेनिंग इन दिस एक्सरसाइज। चलिएगा इसको रफ कर देते हैं हम। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त वीडियो है, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है सिर्फ ओनली। चलिए जी क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम अपने थर्ड की तरफ आ चुके हैं। एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन को रीड कर लेंगे अपनी अपनी बुक में। देखिए सब थर्ड क्वेश्चन कहता है, कह रहा है बच्चों कि जो 2 साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM1 ट्राइंगल ABC। देखिए एक ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल यहां गिवन है। देखिए ध्यान से B
एम सी और ए, और सेकंड ट्राइंगल है पी क्यू आर। देखिए क्यों, ये एन है, ये आर है, आर यहां क्या है, ये पी है। देखिए चलिए जी क्या क्या गिवन है, और कह रहा है ए बी से रेस्पेक्टिव इक्वल टू साइड पी क्यू जो है वो क्यू आर के इक्वल, जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है बच्चों, क्यू आर के इक्वल है। पी क्यू एंड क्यू आर आर मीडियन, अच्छा ये कह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए हम ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो देखिए ये साइड हो जाएगी, जो बी एम है ये किसके क्यू एन के इक्वल हो जाएगा, और जो मीडियम है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ये हमने सारी चीज़ें देखिए लिख ली यहाँ पर, जो जो चीज़ें हमको करना है फर्स्ट पार्ट पर चलेंगे हम लोग अपने। देखिए तो जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है ए बी एम जो है वो पी क्यू एन के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले देखिए गिविन दैट, गिविन में चलिए क्या कहा गया था, जो बी सी है वो तो सर क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। सर जो अभी अगर इसका हम हाफ करें तो बी सी इक्वल टू हाफ कितना क्यू आर, कितना क्यू आर, हमने हाफ करा इनका, तो जो हाफ करने का किसके इक्वल होगा सर, बी एम के होगा। देखिए इसका हाफ कितना होगा बी एम, ऐसे इसका हाफ कितना होगा सर क्यू एन हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्यू एन हो जाएगा। अब आइए अपना ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन ले लिए हमने, आइए देखिए तो ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा सर, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। क्यों भाई सर ये गिविन है, बिल्कुल जी सर गिविन है। सर ए एम जो है वो सर बी पी एन के इक्वल होगा, सर ये भी गिविन है मीडियन, क्योंकि क्या है दोनों के इक्वल है सबके। अब और क्या हो सकता है सर, सर यहाँ अब हम और क्या दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं जो बी एम है वो सर क्यू एन के इक्वल है, यस एंड नो सर बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि हमने ये ऊपर प्रूफ कर दिया है, कहाँ प्रूफ किया हमने सर ऊपर, ये देखिए यहाँ प्रूफ किया, तो बाई किससे हो गया सर, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है। और आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी एम इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल ए सॉरी पी क्यू एन के, पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया सर, ये हमारा हो गया जी फर्स्ट पार्ट, ठीक। अब सेकंड में क्या कहा है, सेकंड में आपको ए बी सी जो है वो सिमिलर रहना है बच्चों पी क्यू आर के, कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। चलिए जी सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं थर्ड का हम लोग, चलिए कौन किसके इक्वल लाना है, ए बी सी हमको लाना है किसके। अब आइए देखिए हम सबसे पहले इन ट्राइंगल, हमने अभी प्रूफ किया है कि जो ए बी एम है वो ए पी क्यू एन के इक्वल है, किसके इक्वल है पी क्यू एन के इक्वल है सर, बिल्कुल सर है। अब आप सी पी सी टी से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बाई सी पी सी टी से आप लोग कह सकते हैं कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा सर, यस बिल्कुल होगा, होगा यस सर होगा। अब आइए देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, कौन सा ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर लिखिए क्या क्या लेंगे सर। सबसे पहले सर लिख दीजिए ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल होगा सर, ये हमको क्या था गिविन था। और क्या था सर, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा सर, ये हमने प्रूव अबाउ कर लिया अभी। और सर क्या कर सकते हैं ए बी सी में, सर और क्या कर सकते हैं सर, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल होगा, क्यों होगा सर गिविन था ये। तो अब हमने किससे कर लिया, साइड एंगल साइड से, बाई किससे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी पी क्यू आर। कौन सा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया सर, थर्ड हो गया है, फोर्थ की तरफ हम अपने आ चुके हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अपना अब फोर्थ पर आगे, देखिए चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर को एक बार आप रीड कर लीजिएगा, और आप लोग क्वेश्चन को आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर फोर पर हम अपने आ चुके हैं, और इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं रफ, देखिए चलिए जी क्वेश्चन नंबर फोर पर आ चुके सर अब हम, बिल्कुल जी अब हम कौन से क्वेश्चन पर आ चुके अपने फोर्थ पर, देखिए आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा, ये आपने नोट कर लिया होगा पार्ट इधर का उधर का, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए
क्या कहा, क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने कह रहा है कि बीई एंड सी एफ, क्या कहा है बच्चों, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड। देखिए चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, बीई सी एफ, ये बी सी एफ ई ए, बात समझ में आ चुकी सबके? यस सर। सर ये तो हमेशा 90 के होते हैं, ये लीजिएगा 90 हो गए। आगे कहा एल्टीट्यूड, अच्छा एल्टीट्यूड कह रहे हैं इसलिए 90 होगा, ध्यान रखना। ए बी सी यूजिंग आर एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केल ट्राइंगल, कह रहा है कि आइसोस्केल ट्राइंगल बन जाते। एक काम करते हैं हम एफ बी सी और ई बी सी को ले लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से को, इन ट्राइंगल एफ बी सी एंड ट्राइंगल ई बी सी ले लिया हमने। अब क्या क्या चीजें लिख सकते हैं वो लिखे, देखिए एंगल बी एफ सी इक्वल होगा सर किसके, बी ई सी के, क्यों भाई सर, ईच 90 डिग्री। आर क्या इक्वल हो सकता है सर, सर इक्वल होगा सर दोनों में, देखें तो ध्यान से बी सी आ रहा है, क्या आ रहा है, बी सी साइड आ गई, तो बी सी इक्वल टू बी सी और सर ये हमारे हो जाएंगे दोनों कॉमन हो गया। और क्या हो सकता है सर, सर कह रहा था कि एफ सी जो है ना वो सर बी ई के इक्वल है, क्यों सर, भैया बुक वाले ने कहा है बिकॉज एल्टीट्यूड ऑफ दिस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्या हो गया आपके, अब बाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक। तो आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल एफ बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ई बी सी के, बट आपको ये नहीं दिखाना था, आपको कहना था कि जो ए सी है वो किसके, ए बी के इक्वल, दैट मीन्स आइसोस्केल ट्राइंगल आपको दिखाना है। क्या दिखाना है आपको, आइसोस्केल ट्राइंगल दिखाना है, इसको हमने रफ कर दिया। देखिए अब आप कह सकते हैं बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, और क्या कहेंगे सी पी सी टी से सर, ए सी पी सी टी से कहेंगे जो ए सी है वो सर किसके इक्वल होगा, सर ए बी के इक्वल होगा, किसके होगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले एंगल दिखा दीजिए आप, क्या दिखा दीजिए, एंगल दिखा दीजिए। तो एफ बी सी कौन, एफ बी सी, ध्यान से देखिए एफ बी सी किसके इक्वल होगा, ई सी बी के, ई सी बी के इक्वल होगा। तो यहीं से आपकी क्या हो जाएगी साइड, क्योंकि एंगल अपोजिट हमेशा क्या होते हैं इक्वल, तो ए सी इक्वल टू किसके हो गया, ए बी, क्यों भाई, क्योंकि सर एंगल अपोजिट इक्वल, एंगल अपोजिट और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड्स, चलिएगा टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसे लिख दीजिए, चलिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, कौन सा नंबर कंप्लीट हुआ आपका सर, ये हो, अच्छा हाँ ये भी क्या कहा लास्ट में, हाँ आप यहां लिख सकते हैं, हेंस ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, इज आइसोस्केल, इज एन, इज आइसोस्केल ट्राइंगल, इज आइसो स्केल ट्राइंगल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ, आगे हम लोग एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 आराम से सभी बच्चे एक बार नोट कर लेंगे और हम क्वेश्चन को करेंगे लास्ट क्वेश्चन को एक्सरसाइज के, और क्वेश्चन है हमारा 5। देखिए जल्दी से एक बार सभी बच्चे नोट कर लेंगे और जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। देखिए 7.3 एक्सरसाइज है हमारी, और टोटल इसमें कितनी एक्सरसाइज है हम जरूर एक बार चेक करना चाहेंगे। तो टोटल इसमें अगर बच्चों हम लोग देखें तो टोटल एक्सरसाइज है हमारी 5, यानी ऑप्शनल है 5, यानी इसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज और है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 में क्या कह रहा है उसको देखिए, चलिएगा क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कौन से पर, अपने 5 पर आ गए। देखिए उधर आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जरूर कमेंट करके बताएंगे आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, कह रहा है ए बी सी इज आइसोस्केल ट्राइंगल है एंड विद ए बी इक्वल टू ए सी ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए बी सी के। देखिए क्या सिंपल क्वेश्चन, देखो इससे पहले हमने लगभग किए हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन को कह रहा है ये बी सी के परपेंडिकुलर है, कौन है सर, पी है, और ये ए होता है,
ठीक, आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले आइए इन ट्राइंगल कौन सा ले लीजिएगा, ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। ए सी पी देखिए आइए, तो कह सकते हैं सर एंगल ए पी बी इक्वल होगा सर ए पी सी के, क्यों सर ईच 90 डिग्री। बात समझ में आ गई, ईच 90। सर दोनों में कुछ कॉमन भी है, यस सर है ना, क्या सर ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या था, ये तो सर गिविन था, क्यों आइसोस्केल ट्रायंगल था, और सर दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या सर ए पी इक्वल टू ए पी, ये क्या था सर कॉमन, तो बाई किससे हो गया, साइड एंगल साइड से हो गया, या हाँ आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है ना बाई। देखिए बार बार वही याद आते हैं क्योंकि ये कम यूज होता है, राइट एंगल बना हुआ बीच में, इसलिए हम लोग इसका यूज करेंगे बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा हो गया है ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ए सी पी के। देखिए ये हमारा आ चुका, बट बाई सी पी सी टी से हम कर सकते हैं, बाई सी पी सी टी एंगल बी जो है एंगल सी के क्या हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा, और आपको यही तो प्रूफ करना था, आप लिख भी सकते हैं कि टी पी टी एंगल बी इक्वल एंगल किसके सी के, आपको क्या करना था यहाँ प्रूफ। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। कैसी लगी वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, हम लोग फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 7.4 में, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।